मुरादाबाद एआईएमआईएम ने उपचुनाव और मतगणना का किया बहिष्कार। थाने में पहुंचकर किया उपचुनाव का बहिष्कार। मतगणना में नहीं जाएंगे कोई भी कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल पर जाने से किया इनकार। प्रशासन और सराकर पर लगाए गंभीर आरोप। थाना आए थे, क्या हो गया जो थाना आना पड़ा? थाना आना इसलिए पड़ा था, हमारे जो भाई को पकड़ कर लिए थे पुलिस, बेकसूर घर बैठा था, घर बैठा तो अब जो है जो हमारे एसएसआई हैं वो बोले कि ऐसा 5:30 बजे के बाद आना है, तो उसके बाद ना छोड़ दो। क्या इल्ज़ाम लगाया जो थाने लेकर आई पुलिस? तो वो आए और इसका बहिष्कार करें, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया, क्योंकि उन्हें ये खतरा था कि उनके जो मामलात दबे हुए हैं, जो उन्होंने घोटाले किए हैं, कहीं वो उजागर ना हो जाए और प्रशासन उनके खिलाफ ना हो जाए, तो वो लोग नहीं आए। लेकिन हमने बहिष्कार कर दिया है चुनाव का, और हम मतगणना का भी बहिष्कार करेंगे। AIMIM पार्टी बिल्कुल मतगणना में बहिष्कार करती है, और ये चुनाव जो है लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, जनता के जनादेश का जो है डकैती डाली गई। अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, जो भी होगा हम लीगल एक्शन लेंगे इस पे, और फिलहाल तो हम मतगणना का विरोध करते हैं और उसका बहिष्कार करते हैं। जी वारिस साहब, आप कुनरगी थाना है, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि पर्ची बना रहा था हमारा एक जो है मामूजाद भाई घर में, उसे 3-4 पुलिस वाले ने उसे उठा के घर में से लिए। कहाँ से उठा के लाए? कौन सी पुलिस उठा के लाई थाने की? बाकीपुर थाने की पुलिस। कौन से गाँव से? बाकीपुर जटी, बाकीपुर। क्या नाम है उनका? उसका फिरोज नाम है। तो घर में पर्ची बना रहे थे? घर में पर्ची बना कर दे रहा था। तो वहीं अभी आपने एक आरोप लगाए थे कि पुलिस से कहा था कि एक तरफा चुनाव हो रहा है, क्या एक तरफा ही हो रहा है? वो तो आप भी देख रहे हैं भाई, हालात ये है, ये इलेक्शन थोड़ा ही है, इससे बेहतर तो ये है इलेक्शन कमीशन वैसे प्रमाण पत्र भेज देते तो ज़्यादा बेहतर था, इससे ज़्यादा और क्या। वो आपकी पार्टी से कार्यकर्ता भी इन्हें उठाया गया है? जी हाँ, मेरा जो है मामूजाद भाई भी है और जो है कार्यकर्ता पार्टी का। थाने आए थे, क्या मामला रहा, किसने आना हुआ आपका आज? देखिए, थाने आए थे, थाने उसे छुटाने के लिए आए थे, तो उन्होंने जो 5:30 बजे के वक्त में कह दिया है कि किसी अपने भाई की किसी भी भेज देंगे, छोड़ देंगे। कौन है, किसे छुड़ाने आए थे आप? देखिए, हमारा जो है पार्टी का कार्यकर्ता है और हमारा मामूजाद भाई, उसके लिए आए थे। क्या आपने इसके लिए ट्वीट भी किया था? है, ट्वीट वगैरह किया था सोशल मीडिया पर? मैं इसके लिए ट्वीट नहीं किया था, इसके लिए ट्वीट नहीं किया था। ट्वीट तो हमने जो है सोशल मीडिया पर सब, यानी जो आज के आज ये जो इलेक्शन जो हुआ है इसका बहिष्कार किया है हमने। ये इलेक्शन नहीं है, ये तो ये एक तरफा जो है ये कैप्चर किया गया इलेक्शन, ये कोई इलेक्शन नहीं है, और हमने बहिष्कार भी किया है, और हम जो है काउंटिंग जो है मतगणना का भी बहिष्कार करेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे। क्या फ़ायदा उसमें जाके, जब हमारे आदमियों को वोटों को वोट डालने का मौका नहीं दिया, समझ गए, उन्हें मार मार के उन्हें भगा दिया, उनकी पर्चियाँ फाड़ दी, उन्होंने अपनी पर्ची जो है एक उस पर लाल कलर का बॉर्डर बना हुआ पर्ची पर, उस पर्ची उन्होंने जो है ये उसी पर्ची से उन्हें वोट डालने दिया, बाकी पर्ची उन्होंने सब रिजेक्ट कर दी है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ जाकर भी जो है ना कोई फायदा नहीं है, सब एक तरफा सब कैप्चर कर लिया गया। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? हैं, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार जो है पूरी सरकार है, पूरा प्रशासन। अरे प्रशासन की अगर बात करें, मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से एक सब इंस्पेक्टर भी हटाए गए हैं ड्यूटी से, और 2 कॉन्स्टेबल भी हटाए गए हैं। वो हटाने की अब 100 को हटा दीजिए, 500 हटा दीजिए, एक गाँव में 100 पुलिस बल लगे हुए हैं भाईजान, वहाँ सब ने ये जो लोग बेइज्जती करी है औरतों के साथ, बुजुर्गों के साथ में बेइज्जती करी गई है, उन्हें मार मार के लाठी भगा दी, उनकी पर्चियां फाड़ दी गई, उन्हें बेइज्जत किया गया। आप चुनाव आयोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग साहब से ही मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्शन जो है यानी इससे बेहतर ये ना कराया जाता, वैसे ही प्रमाण पत्र दे दिया जाता इलेक्शन कमीशन से। क्या कहना चाहेंगे चुनाव आयोग से अब आगे? चुनाव आयोग से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये गुजारिश कर रहा हूँ उनसे कि वो अब इस इलेक्शन को जो है ये पूरा इलेक्शन कैप्चर कर लिया गया, ये इलेक्शन नहीं हुआ है, ये तो जो है ना एक एक किस्म का गला घोटा गया है, लोकतंत्र का चीरहरण कर गया। अब जो है इस इलेक्शन का जो है
बिल्कुल इसे रद्द किया जाए, इसका दोबारा ये इलेक्शन दोबारा से किया जाए, तब ये ठीक ठाक होगा। इससे बेहतर नहीं तो ये बिल्कुल बेकार इलेक्शन है।